हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे जी। इनमें मैंने 1 किलो तेल लगा रखा है, आप लोग देख भी सकते हो। तो अभी 1 किलो तेल निकालना भी तो है ना बालों में से। और इसके लिए अब मैं जा रही हूँ नहाने, और मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही देते हैं, वरना तो मेरे ब्लॉग का तो कोई टाइम ही नहीं है। छोटे छोटे क्लिप बनाते रहेंगे जो जो जैसी रहेगी, पर गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा है नहाने के बाद। हेलो गाइस, मैं जो है नहा कर आ गई हूँ और हेयर वॉश हो गया है, अब अच्छा लग रहा है गाइस। बस अब मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद, और इन जुल्फों से जो मैंने 2 किलो ऑयल लगा रखा है उनको निकालने के बाद। तो ठीक है गाइस, बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। उतर गया ऑयल का, वरना तो बहुत ही बालना है चिपचिपे से। सुबह सुबह ही अपना नहाना और सिर वॉश कर लिया। बाकी आज मैं बनाऊंगी दिन के खाने। सो गाइस, आज मैंने बनाने हैं नमकीन चावल और डालना है बूंदी का रायता, क्योंकि आज हमारे ना 2 इनविटेशन आए हुए हैं शादी होंगे। एक तो है दोपहर का, एक है शाम का। तो एक में जाएंगे बड़े मंत्री साहब हमारे, और एक में जाएगा हमारा, वो तो जाएगा शाम को छोटा संतरी, और जो बड़े मंत्री साहब हैं वो जाएंगे दिन में आज लंच पे, और एक जाएगा डिनर पे। और मैं घर पे ही बनाऊंगी और घर पे ही खाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। सो गाइस, मैंने दूसरे हाथ में कैमरा पकड़ा है। आवाज जो थकी थी मेरी, पर बात बन नहीं रही इधर। तो गाइस, मैं बनाऊंगी घर पे ही खाना अपना अपना और माता जी का। बस मैंने तो फिर यही सोचा है कि नमकीन राइस और बूंदी डाल लेंगे, बाकी देखते हैं जैसा रहा। और बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ, आगे देखती हूँ मैं क्या क्या कारनामे करती हूँ। गाइस, यहाँ पर मैं हरी मिर्ची और पुदीने को करूँगी मिक्सी, और उसके बाद डालूँगी मैं रायता, और सिंपल सा रायता बनाएंगे। और बस उसमें मैंने दही ली है, बूंदी ली है, नमक, और वो जो पेस्ट बनाया था वो, इसके अलावा कुछ नहीं डालना। ऐसे ही ये बहुत टेस्टी, एक अलग ही टेस्ट आता है। आप लोग भी बनाकर देखना और फिर बताना। ओ यार, अब दर्द हो रहा, कहाँ है वो, दिख तो रहा नहीं। अच्छा, स्कूल नहीं गया, पैर सड़ गए। ऑर्डर वाले ने आना, आया नहीं अभी तक, उसी का वेट कर। अच्छा, आप आने लगे दोबारा, क्या बात की थी मेरी? नहीं, मैं तो व्लॉग बनाती हूँ ना, मैं वही कह रही। मैंने कहा आप अंशुल का नाम लिया ना, मगर फिर जानते होंगे। तो गाइज, ऑर्डर आ गया है मेरा। कितने का अभी है ये? मैं यूट्यूब पे व्लॉग बनाती हूँ अब। तो भैया ने निकाल लिया घूंघट। ये देखो गाइज, कैमरा देखते ही। कितने देने हैं? 4 4 6 ये लो। कोई नहीं, मैं उठा रही हूँ। आप पहले तो बंद हो गए थे ना आना बीच में। सो गाइज, आपके घर भी कोई डिलीवरी बॉय या कोई भी बाहर आता है तो प्लीज़ उनको पानी ज़रूर पूछें, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इसलिए पानी तो बहुत ज़रूरी है जी। चाहे कोई भी हो, पानी ज़रूर पूछें। और यहाँ गब्बर पिएगा लस्सी, क्योंकि गर्मी लग रही है गब्बर को बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं कैमरा सेट कर रही थी, क्या बोलने जा रही हूँ मैं भी। और यहाँ पर ना मेरा जो पार्सल है, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। और मैंने मंगाई थी एक स्कर्ट और क्रॉप टॉप, और ये बहुत ही सुंदर पेयर आया है। मैं अभी आपको डालकर भी दिखाऊंगी कैसी लग रही थी। और ये स्कर्ट है, और मैं कह रही थी ये बंधेगा कैसे, तो उसकी डोरी अलग से थी। फिर मैंने डोरी को उसमें डाला और फिर इसको पहना, और गर्मी में मैं मर गई इसको पहनने में। और इसकी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी ये कहाँ से डलेगा कहाँ से नहीं। 15 मिनट के बाद मुझे पता लगा कि ये ऐसे डलेगा, तो फिर मैंने इसको जो है पहना। ये देखिए गाइज, और अभी ये जो ऊपर का क्रॉप टॉप है ना, ये मेरे को लूज़ है, क्योंकि ये साइज़ बड़ा आ गया है। और इसकी होगी और फिटिंग, वापस तो क्या ही कराऊँ। बाकी अच्छा तो लग रहा है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइज, किसी को मंगाना हो तो मुझे कमेंट करना, मैं लिंक सेंड कर दूँगी। सो गाइज, यहाँ पर कपड़े चेंज करते हुए मेरे जूड़े वूड़े खुल गए थे, तो मैंने सबसे पहले जूड़ा बनाया, क्योंकि गर्मी ओहो बहुत ज़्यादा थी। तो फिर अभी मैं इसको जो है पैक करके रख दूँगी,
क्योंकि अभी तो मुझे इसे नहीं पहनना है, इसे मुझे ख़ास ओकेज़न पर पहनना है। सो आप लोग जल्दी जल्दी मेरे 1K कर दीजिए, फिर हम लोग करेंगे सेलिब्रेशन और फिर मैं पहनूंगी ये वाली ड्रेस। फटाफट से 1K कर दो। और गाइज यहाँ पर मैं ये कह रही थी कि अगर किसी को भी चाहिए होगा तो मेरे को बताना, और ये कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और ये जो टॉप है ना, इसका मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, कभी मैं इसकी बाजू में हाथ डाल देती थी, कभी कुछ। काफ़ी देर बाद मुझे समझ आई कि डलेगा तो डलेगा कैसे, ये कुछ ना इसमें लेयर सी कुछ ज़्यादा ही बनी हुई है तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो गाइज़ मैं ऐसे तामझाम बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन चलो मुझे अच्छी लगी ड्रेस, मैंने मंगा ली। और गाइज आप लोग बताना कैसी लग रही थी, मैंने आपको पहन के भी दिखाई है। तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा था मैं इसे तय कैसे लगाऊं, और मैंने बड़ी मशक्क़त के बाद जो है इसके जो ये कान कून से लगे हुए थे इसके ऊपर इनको पकड़ा, और फिर अब मैं इसको जो है फटाफट तय लगाऊंगी, कभी मैं फिर से घूम जाऊँ कि इसको कैसे तय लगाना है। तो गाइज़ ये झलबले से कपड़े मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो बस जी ये था मेरा आज का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और गाइज इसको मैं पैक करके रख देती हूँ, ख़ास ओकेज़न वाले दिन मैं इसे पहनूंगी, प्रॉपर तैयार होंगी। अभी तो गर्मी की वजह से मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ऐसे ही लोवर टी शर्ट और चुन्नी और कुछ और ऐसे घूमती रहती हूँ मैं घर में, क्योंकि गर्मी से परेशान है। और गाइज इस दौरान लग गई थी मुझे बहुत तेज़ भूख, और अब मैं इसको पैक करने के बाद सीधा जाने वाली हूँ किचन में, नमकीन चावल एंड मैंने बनाया है साथ में बूंदी पुदीने वाला रायता, वो खाऊँगी। और यहाँ पर ना मैंने वॉइस ओवर तो की है, क्योंकि ऊपर ना पंखा चल रहा था तो उसकी वॉइस आ रही थी, इसलिए तो आ गई जी मैं किचन में। और सबसे पहले देते हैं माता जी को और अंश की प्लेट लगाती हूँ और उनको अंदर देकर आती हूँ दोनों को। उसके बाद फिर ये लो जी मेरी प्लेट है, आप लोग भी खा लीजिए गाइस। ये देखिएगा लस्सी दही और बूंदी, और ये है नमकीन राइस जो कि बहुत टेस्टी थे। तो गाइस ये मैं जा रही थी अब अंदर देने, तो गाइज मैं अंदर दे आई थी, और उसके बाद फिर मैं अब अपनी प्लेट लेकर बैठकर खाने लग गई थी। आप लोग भी खा लीजिए, देखो मैं आप लोगों को भी ऑफ़र कर रही थी, कभी आप ये कहो कि काजल अकेले अकेले खा रही है और हमसे पूछा भी नहीं। पहले मैंने माता जी को दिया, अंश को दिया, फिर मैंने भगवान जी को नचकारा, फिर मैंने आप लोगों को खिलाया, उसके बाद काजल ने खाया है, ऐसा नहीं कह सकते आप। और मैं ना यहाँ सोफे में बैठकर खा रही थी, क्योंकि अंदर वो लोग टीवी देखते हुए खाते हैं, मुझे टीवी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुंह में बांधे मेरे फोन बदतमीज सा, जीभ दांत चपड़े सब कुछ दिखाएगा क्या यूट्यूब वालों को, इसी ना मैं से पिटने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। कहाँ तक गर्मी है बाहर, ओह माय गॉड गर्मी लग रही, मुझे चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गई। तो गाइज एक तो मुझे चक्कर आ गया, ऊपर से मेरे को पानी डाल के होश में भी नहीं ला रहा, ये छोटा संतरी जो है कोई वैल्यू नहीं है बेहोश बंदे की, भाई बेहोश ना होइए कोई, मानना बाहर गर्मी है बेहोश मत होना, कोई होश भी लाने वाला नहीं है, मैं फिर से बेहोश हो जाती हूँ। किसी ने कैमरा बंद नहीं किया हुआ मेरे मुंह पे।